चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग लैटिस से रिलेटेड एक सेकंड थ्योरम्स करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस थ्योरम्स को हम लोग करें उससे पहले एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि यदि L कोई लैटिस है, ठीक है, और इसका कोई एक पेयर है सबसेट एक्स और वाई, ठीक है, तो आप जब इसका मान लिया जाए इन्फिमम एक्स वाई का निकालते हैं। इन्फिमम को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, मान लीजिए एक्स मीट वाई लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसका मान लीजिए आप सुप्रीमम निकालते हैं, किसका, एक्स वाई का, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ से आइए, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये कहता था कि इन्फिमम का मतलब क्या होता है। इन्फिमम का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई, एक्स वाई का इन्फिमम का मतलब एक्स और वाई दोनों से क्या होना चाहिए, छोटा। इन्फिमम का मतलब क्या होता है, जी एल बी, लोअर बाउंड होगा बट ग्रेटेस्ट होगा, तो इन दोनों से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसका मतलब जो ये होता है, क्या होता है, ये जो इन्फिमम होता है, इन्फिमम मतलब एक्स वाई का इन्फिमम, इन्फिमम क्या होता है, पहला एलिमेंट से भी छोटा और इससे भी लेस देन इक्वल, समझ में आया ना। इन्फिमम जो दोनों एलिमेंट से लेस देन इक्वल होता है, और इसी तरीके से सुप्रीमम क्या होता है ना, सुप्रीमम का मतलब दोनों से बड़ा, तो मतलब कि पहले से भी ग्रेटर इक्वल, मीन्स कि एक्स से भी ग्रेटर देन इक्वल दिस एंड वाई से भी ग्रेटर देन इक्वल दिस, क्लियर। यही कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा इस थ्योरम्स में, तो ध्यान से करना है इस चीज़ को। चलिए, थ्योरम क्या कहता है, देखिए कि लेट एल बी अ लैटिस, इसको एल ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये इसका सिंबल है। तो लेट एल बी अ लैटिस इन विच दिस एंड दिस डिनोट द ऑपरेशंस ऑफ मीट एंड ज्वाइन, मीन्स कि ये मीट को डिनोट करा और ये ज्वाइन को, पहले से हमें पता है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, देन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एल सो दैट ए लेस देन, अगर ए लेस देन इक्वल बी होगा तो दिस इम्प्लाई ए मीट बी इज इक्वल टू ए, ये हमको प्रूफ करना है। और देखिए यहाँ पे कैसा साइन है, इफ़ एंड ओनली इफ वाला कंडीशंस है ना, दोनों तरफ से होल्ड करेगा कि अगर ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। यहाँ पे बात क्या है कि ए इज लेस देन इक्वल बी होगा तो ए बी, ए मीट बी का वैल्यू ए होगा, और अगर ए मीट बी का वैल्यू ए होगा तो ए जो होगा वो लेस देन बी होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस कंडीशंस को मानेंगे, ये प्रूफ कर देंगे, फिर इस कंडीशंस को मानेंगे, ये प्रूफ कर देंगे। कैसे, सबसे पहले हम ए नंबर को बात करते हैं, और सेम बी में भी यही चीज़ है, यहाँ पे ज्वाइन वाली बात है कि ए लेस देन इक्वल बी होगा तो क्या होगा, ए ज्वाइन बी इक्वल टू बी होगा। पहले प्रूफ में आते हैं, वी हैव टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, ए इज लेस देन बी होगा, दिस इम्प्लाई दैट दोनों साइड से ना ए मीट बी इक्वल टू ए होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या मान लेते हैं, इसको मानते हैं, इसको प्रूफ करेंगे। लिखिए ए मीट बी इक्वल टू ए हमने मान लिया, ठीक है ना, हमने माना ए मीट बी इक्वल टू ए। अब वो मीट का कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया कि मीट है, इसका मतलब ए मीट बी को हम इन्फिमम ऑफ ए भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि इन्फिमम अगर है तो ए से भी छोटा होगा और बी से भी छोटा होगा, तो हम ए से छोटा को नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, बी से छोटा, क्योंकि ए इन्फिमम बी क्या होगा, ए से भी छोटा और बी से भी छोटा, तो हम ले लेते हैं ए इन्फिमम बी, सॉरी ए मीट बी बी से छोटा, क्लियर। तो लेस, क्योंकि अभी हमारा कॉन्सेप्ट कहता है ना, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन्फिमम जो होता है वो पहले एलिमेंट से भी छोटा होता है और दूसरे से भी छोटा, तो हम पहला वाला एलिमेंट का नहीं लिए, ले लिए कि ए मीट बी दूसरे से छोटा है। अब चूंकि ए मीट बी को हम माने क्या थे भाई, ए मान दिए थे, तो हम इसके जगह पर ए लिख सकते हैं, तो आ गया ए इज लेस देन बी, सिंपल। क्यों, सिंस ए मीट बी इक्वल टू हमने ए माना, तो ये हमारा फर्स्ट केस प्रूफ, हमने क्या किया, इसको माना, इसे दिखा दिया, अब हम लोग इसको मानेंगे, ये दिखाएंगे। चलिए देखिए, कन्वर्सली लिखा हुआ है, कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट, कन्वर्सली सपोज दैट ए इज लेस देन बी, वी हैव टू सो दैट ए मीट बी इक्वल टू ए। अच्छा, अब बताइए ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, तभी तो सेट है ना, पोसेट में था, ये जो एल क्या था, लैटिस था, लैटिस था, इसका मतलब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अगर ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ए एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए, अगर ये पार्शियल रिफ्लेक्सिव है तो ए ए से करेगा, बी बी से करेगा, करेगा ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। तो चलिए, तो हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले कन्वर्सली सपोज दैट ए इज लेस देन बी, वी हैव टू सो दैट ए मीट बी इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, सिंस दिस इज रिफ्लेक्सिव देयर फॉर ए इज लेस देन ए, होगा ना, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल, क्लियर। अब चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि नाउ ए लेस देन बी है, ए लेस देन ए है, तो ए इज लोअर बाउंड ऑफ ए बी, ए लेस देन बी है हमने माना था, और अभी हमने यहाँ से रिफ्लेक्सिव से आगे कि ए लेस देन ए, फिर से समझिए, सपोज दैट था ना ए इज लेस देन बी, हमने सपोज किया था ए इज लेस देन इक्वल बी, हमने सपोज किया, और यहाँ रिफ्लेक्सिव से आगे कि ए इज लेस देन ए, मतलब यहाँ पे ए जो है वो बी से छोटा है और यहाँ पे ए जो है वो ए से छोटा है, इसका मतलब ए जो हो गया वो बी और ए, मीन्स कि ए और बी का लोअर बाउंड हो गया, ए इज लोअर बाउंड ऑफ ए बी, समझ में आया।
ये क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। अब बताइए लोअर बाउंड हो गया ना, तो ए इज लेस देन इन्फीमम ऑफ ए बी, ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए ए और बी आपके पास दो एलिमेंट है, इसको इन दोनों का लोअर बाउंड कौन आ गया, ए, ये आ गया लोअर बाउंड। और ए मीट बी, सॉरी ए आ गया लोअर बाउंड और ए मीट बी, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है ना, क्या होता है ये, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अब बताइए ये क्या है, लोअर बाउंड है और ये हमको पता है कि क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो दोनों बड़ा कौन होगा, ग्रेटेस्ट वाला, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ लोअर बाउंड है और ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो सिंस ए इज लोअर बाउंड ऑफ ए बी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल इन्फिमम ऑफ ए बी, इसका मतलब ए इज लेस देन दिस। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, समझ में आया कैसे आया कि ए यहाँ क्या हो रहा, इसके इन्फिमम से छोटा हो रहा, कैसे हो रहा, कॉन्सेप्ट कहता है, क्लियर हुआ। आगे बताएं, फिर से बताना होगा ना। चलिए आगे देखिए, अब आगे अब आपके पास क्या है, चूंकि फिर से देखिए, सिंस ए मीट बी इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ए बी होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ वाला ए और यहाँ बी दोनों से ये छोटा होता है, ये पहले इन्फिमम है तो पहला से भी छोटा होता है और दूसरे से भी छोटा होता है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया और यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है वो देखे हैं आप, अच्छा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ए मीट बी इन्फिमम ऑफ ए बी है तो वो पहले एलिमेंट से भी छोटा होगा और दूसरे एलिमेंट से भी छोटा होगा। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, पहला एलिमेंट से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ए के इक्वल दिखाना है, तो हम ले दिए कि भाई ए से इक्वल है, ए से लेस है, इन्फिमम ऑफ ए बी मीन्स कि ए मीट बी इज लेस देन इक्वल ए है, इसको टू मान दिए। अब वन कहता था कि ये ए से बड़ा होगा, टू कहता है कि ये इससे छोटा होगा, फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाएगा भाई, दोनों इक्वल हो जाएगा ना, ए मीट बी इक्वल टू ए हो गया, प्रूव्ड हो गया, समझ में आया, क्लियर। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, फिर से मैं एक बार दिखा दे आपको, हमने पहले इस कंडीशंस को माना, इसको प्रूफ किया, फिर इसको माना, इसे प्रूफ किया, अब हम लोग सेकंड में काम करेंगे, इसको मानेंगे, इसे प्रूफ करेंगे, फिर इस चीज़ को मानकर इसे प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हटाइए, वी हैव टू प्रूफ ए इज लेस देन बी, दिस इंप्लाई दैट ए ज्वाइन बी इक्वल टू बी, या फिर इसको मानकर ये प्रूफ करना है, दोनों साइड से ना। तो चलिए सबसे पहले लेट अस सपोज ए ज्वाइन बी इक्वल टू बी, देन वी हैव टू शो दैट ए इज लेस देन बी, क्लियर। अब आइए ए ज्वाइन बी का वैल्यू क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ ए बी। अब सुप्रीमम मतलब पहले से ही बड़ा और दूसरे से ही बड़ा, तो हम ले लेते हैं पहले पहला से बड़ा, पहला से बड़ा हो गया ए ज्वाइन बी, क्लियर। अच्छा तो इसका वैल्यू क्या है, बी ना, अभी माने थे सपोज बी, इसके जगह बी रख सकते हैं, क्यों, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हो गया ना प्रूफ, कितना सिंपल था। अब हम लोग को सेकंड कन्वर्सली में क्या करना है, कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट ए इज लेस देन इक्वल बी, देन वी हैव टू शो दैट ए ज्वाइन बी इक्वल टू बी, ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले ये हम मान चुके हैं, ये दिखाना है आपको, पता है कि यहाँ पे जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ ए इज लेस देन बी है, तो क्या हो, ए इज लेस देन ए एंड बी इज लेस देन बी, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सिंस दिस इज लेस देन ए, तो यहाँ पे देयर फॉर ए इज लेस देन ए एंड बी इज लेस देन बी होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एल, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वी हैव ए इज लेस देन बी, ये वाला कंडीशन पहले से हमने जो सपोज किया था, ए इज लेस देन बी सपोज किया था, और दूसरा क्या लिए, बी इज लेस देन बी, ये वाला उठाएं, इसको नहीं उठाएं, समझ में आया ना, क्लियर। ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन बी, यहाँ पे एक चीज़ क्या क्या हुआ, फाइंड आउट ना, आगे बढ़े यहाँ से देखिए, यहाँ कंडीशन हमने माना था ए इज लेस देन बी और रिफ्लेक्सिव से आया बी इज लेस देन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी क्या दिख रहा है, बी ए का अपर बाउंड है, बी का अपर बाउंड है, दिस इम्प्लाई दैट बी इज अपर बाउंड ऑफ ए बी, क्लियर। यहाँ पे जो बी है क्या अपर बाउंड है, अब अपर बाउंड है तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बी क्या है, अपर बाउंड, ए बी का अपर बाउंड है, अच्छा। और ये क्या होता है, ये ए ज्वाइन बी जो लिखे, ये होता है लीस्ट अपर बाउंड, और ये क्या हो गया अपर बाउंड, तो बड़ा कौन होगा दोनों में, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट मतलब तो भाई छोटा होता है ना, अपर बाउंड बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल लिख सकते हैं। तो वही चीज लिखे हैं कि b इज अपर बाउंड ऑफ a, दिस इंप्लाई दैट a जॉइन b इज लेस देन इक्वल b, रिलेशन वन मान लिए, यहाँ से b से छोटा हो रहा है अभी। अब देखिए अब कॉन्सेप्ट, अब आगे क्या कहता है, आगे कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसको सही कर लीजिए, आगे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि a जॉइन b इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ये होता है, इसका मतलब होता है ये पहला से ही बड़ा होगा और दूसरा से ही बड़ा होगा, तो b से बड़ा हो गया ये, रिलेशन टू, समझ में आया, तो फ्रॉम वन इन टू इक्वल हो गया बी ना, क्लियर हुआ, ए को लेके चलना है और बी को लेके चलना, हाँ एक यही एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। जैसे यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट तो दोनों आता है, जैसे ए इज लेस देन ए, बी इज लेस देन बी, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था ए इज लेस देन ए का, और यहाँ पे यूज़ किया बी इज लेस देन बी का, उसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ कि ये पहला से बड़ा होगा और दूसरे से ही बड़ा होगा, तो यहाँ पे यूज़ किया हम पहला से बड़ा का, और वहाँ पे पहला से भी छोटा हो रहा था, दूसरे से भी छोटा हो रहा था, बट यूज़ कर रहे थे, हाँ वेरी गुड, बी का दूसरा का यूज़ कर रहे थे, देखिए दूसरा से छोटा था, देखिए यहाँ पे बी इज लेस देन है ना,
यहाँ पे यूज़ किया दूसरा से, क्योंकि है तो पहले से भी छोटा बट सेकंड वाला यूज़ किया। तो ये कॉन्सेप्ट तो भाई जब से आप दो से तीन बार लिखोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में आते जाएगा। तो समझ में आए ये थ्योरम्स? हाँ। चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं।